मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साईराम। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से शरीर, श्वास प्रश्वास और मन का तालमेल होता है। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है। योग दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। शायद इसीलिए ही यही समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 21 जून ये दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वर्ल्ड योगा डे करके घोषित किया और इसीलिए योग को जागतिक दर्जा भी प्राप्त हुआ। इस जागतिक दर्जे को याद करते हुए हमारे क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। रूटीन अब हमें पता है बच्चों, ओमकार चैंटिंग, मेडिटेशन, नया मंत्र और उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज और उसके बाद नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना, ये अपना रोज का रूटीन आप घर पे भी फॉलो कर रहे हैं। सो एवरीवन सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइस इन ध्यान मुद्रा, इनर अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग। मेडिटेशन की ये शुरुआत जब हम लोग कर रहे हैं तब एफर्टलेस मेडिटेशन होने के लिए क्या करना है, अपने ब्रीदिंग कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपने ब्रीदिंग के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, ऐसी हम लोग तकरार या कंप्लेंट करते हैं, तो उसके लिए छोटी सी टिप है, कॉन्सेंट्रेशन करना, एकाग्रता को हासिल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग होना, सजग रहना। ये छोटी सी ट्रिक जो है वो हमें एकाग्रता की तरफ आगे बढ़ेगी। नाउ वी विल बिगिन विथ 3 times ओमकार चैंटिंग। ओमकार चैंटिंग करते वक्त जितना हमारा मकार प्रोलॉन्ग करेंगे उतने अपनी ब्रेन सेल्स को हम लोग वाइब्रेशंस देंगे। रेचेक एवरीवन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, डीप पूरक, ओ ओमकार चैंटिंग जब हम लोग करते हैं तब हमें एक बात मन में ध्यान से रखनी है कि दो ओमकार चैंटिंग के बीच में जो गैप होती है उस गैप में मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, अपना श्वास प्रश्वास कैसा चल रहा है, मन की अवस्था क्या है, इसके प्रति हमें अलर्ट होना है, अलर्ट रहना है। ये सिंपल मेथड जब हम लोग फॉलो करेंगे तभी हम लोग एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो भी एफर्टलेस, क्योंकि योग हमें कौन सी भी क्रियाएं करते वक्त जिद जबरदस्ती नहीं करने के लिए बोलता। शरीर, श्वास प्रश्वास और मन, ये तीनों अब साधना के लिए
तैयार है। फर्दर प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते वक्त जॉइन योर हैंड्स एंड गेट रेडी फॉर न्यू टॉपिक एंड दैट इज महामृत्युंजय मंत्र। मंत्र चैंटिंग के बाद अपने शरीर और मन पर जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो हमें अच्छे से नोटिस करने हैं, क्योंकि आप लोगों का बच्चों एज ऐसा है कि ये करते वक्त हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन मन किधर भटक रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग ये चैंटिंग कर रहे हैं। ये पहली बात याद में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं इव बंधना मृत्योर्मुक्षिर्यमामृता। ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बंधना मृत्योर्मुक्षिर्यमामृता। ये मेडिटेशन करने के बाद शरीर और मन जो कॉन्सेंट्रेट हुआ है उसको अच्छे से फील करेंगे। मन में और दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं, और विचार अगर आ रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के ही। स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स को हमें बाहर छोड़ना है, और इसके लिए हमें करना है डीप ब्रीदिंग। श्वास लेते वक्त बाहर की फ्रेश एयर, अच्छे विचारों को हम लोग अंदर ले रहे हैं। एट द सेम टाइम रेचक करते वक्त अपनी नेगेटिव थॉट्स, टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स को हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता के लिए ये दूसरी टिप मैं बता रही हूं। अपनी श्वास और प्रश्वास के लिए सजग, अलर्ट, अवेयर। शरीर से भी ज्यादा अपना मन, अपना माइंड जो अनकंट्रोलेबल होता है, तो उस माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए हमने किया ओमकार चैंटिंग और महामृत्युंजय मंत्र। अब मन के साथ साथ अपना शरीर भी नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार है। इसके लिए पामी हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन। Slowly open your eyes and get ready for next warm-up exercise. Today, we will begin with our legs exercise, leg warming up exercise. So now,
आई एम डूइंग पार्ट नंबर वन काउंटिंग स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ और वो है लेग्स वार्म अप एक्सरसाइज. ओके सो काउंटिंग 1 to 8 और 8 to 1 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. जैसे आप लोगों को हर योगा प्रैक्टिस में योगा क्लास में आप उसके लिए हैबिचुअल हो. लेकिन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नी रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 एंटी क्लॉक 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, now students, get ready for next knee warm-up exercise, which is very, very important. देखिए legs की movements मैं कैसे कर रही हूं. स्टार्ट करेंगे अपने नीज जो है वो उनको आगे और पीछे करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, change. मन पर नियंत्रण आने के बाद बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक नए आसन की तरफ आगे बढ़ेंगे. ये आसन है इसका नाम है वज्रासन. ये आसन मेडिटेटिव पोज यानी ध्यानात्मक गट ध्यानात्मक ग्रुप जो आसन ध्यान मेडिटेशन करने के लिए बेनिफिशियल है उस कैटेगरी में आता है. सो आज हम लोग वज्रासन कैसे करना है ये देखेंगे. लेकिन उससे पहले वज्रासन ये आसन को ये नाम क्यों दिया गया. वज्रासन वज्र भगवान इंद्र का जो अस्त्र होता है इसे वज्र कहते हैं. वज्र का अर्थ है कठोर मजबूत. ये आसन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत बार ऐसे होता है कि जब स्टूडेंट्स साधक जब योगा क्लास में जाते हैं तभी उनकी एक डिफिकल्टी क्वेरी होती है. खाना खाने के बाद हमें कौन से आसन करने हैं कौन से आसन नहीं करने हैं. तो ये एक जानकारी मुझे आपको देनी है और वो जानकारी ऐसे है अगर हमने खाना खाया हुआ है तो 4 घंटे के बाद हमें योगा प्रैक्टिस करनी है. खाना खाने के बाद हमें 4 घंटे के बाद योगा करना है. अगर हमने ब्रेकफास्ट किया है तो हमें 2 घंटे के बाद योगा करना है. और चाय कॉफी ऐसा अगर लाइट कुछ लिया है तो आधे घंटे के बाद हम लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट वज्रासन ये एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है कि खाना खाने के बाद अगर अपनी पाचन शक्ति डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है तो बच्चों खाना खाने के बाद हमें वज्रासन का सराव करना ही करना है. तो अब हम वज्रासन की विधि की तरफ उसकी कृति की तरफ उसकी प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वज्रासन की प्रैक्टिकल कृति कैसी करनी है. फर्स्ट ये जो पोजीशन मैंने ली है आपको पता ही है उसे बैठक स्थिति में विश्रांति रेस्ट हमें ऐसी लेनी है. डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हम लोग वज्रासन कर सकते हैं. पहली ये जो अवस्था है इसे कहते हैं बैठक स्थिति. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वज्रासन की प्रैक्टिकल की तरफ. दोनों लेग्स एक साथ हाथ शरीर की तरफ और अब अपने राइट हैंड से राइट लेग जो है वो अपने एंकल में अच्छे से फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग के हैंड से अपना लेफ्ट लेग भी हमने फोल्ड किया है. वज्रासन करते वक्त ये जो नीज जो है वो दोनों एक साथ
back straight and gently close your eyes. वज्रासन से अब वापस आते वक्त भी हम लोग जैसे सिस्टमैटिकली गए वैसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते वापस आना है और बैठक स्थिति में रेस्ट लेनी है। ये करते वक्त बिल्कुल घाई गड़बड़ जिद जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अपना लेफ्ट लेग जो है वो हम लोग रिलैक्सिंग पोज में रखेंगे और उसके बाद राइट लेग भी सीधा करेंगे और बैठक स्थिति में हम लोग विश्रांति लेंगे। वज्रासन की कृति प्रैक्टिकल हमने अभी देखा, अब जिसका आपको वेट है कि वज्रासन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम लोग वज्रासन क्यों करते हैं, वज्रासन के बेनिफिट्स क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगी। पेट के नीचे के हिस्से में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन अपने लेग्स अपने थाइज इनर थाइज उनको अगर हमें अच्छा रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेट करना है तो हमें वज्रासन करना पड़ेगा करना चाहिए, जिससे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम अपने पाचन में हम लोग सुधार लाते हैं। भोजन के बाद जब हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तभी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करने लगती है। पैर और अपने थाइज स्पेशली इनर थाइज इनके लिए भी इनकी नसें जो है वहां की नर्व्स जो है उनका आयुष्य जो है वो ये आसन करने के बाद बढ़ता है। अब वज्रासन करने के बाद आगे बढ़ेंगे सावधानियां कॉन्ट्राइंडिकेशंस। पैर के पंजों के एड़ियों के जो घुटने जो अपने हैं उनमें जो समस्या होते हैं तो उन पेशेंट्स को ये आसन वर्जित है, ये आसन उन्हें नहीं करना है। स्लिप डिस्क के पेशेंट अगर है तो उन्हें भी ये आसन सावधानी एज सच नहीं करनी है। जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है उन्हें भी ये आसन को करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। तो सारांश में बच्चों, जीवन का वह दर्शन है योग, जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ता है। धन्यवाद।